नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। वीडियो तो आप देख ही रहे हो, पिछले तीन चार दिन से आपने देखा होगा वंदे भारत मिशन 3 बंद होने वाला है, मुझे भी कम से कम 100 लोगों ने वीडियो भेजे, लोगों के बोले सर ये देखिए क्या बंद हो जाएगा, क्योंकि उनका ये तर्क था जो वीडियो बना रहे थे कि अगर चालू रहता तो गवर्नमेंट वंदे भारत 4 मिशन लॉन्च कर देती, लेकिन उनको ये बात भेजे में ऊपर वाले ने भेजे में भेजा नहीं भेजा कि यार आज तारीख हुई है 17 जून 18 जून और ये चलेगा 1 जुलाई तक, यानी 13 दिन 14 दिन पहले गवर्नमेंट जरूरी है कि वो आगे की डेट घोषणा करे, ये जरूरी नहीं होता, ये एक लॉजिक नहीं होता कि अगर ये ऐसा नहीं किया तो वंदे भारत मिशन आगे बंद हो जाएगा। मैं वीडियो देख रहा था, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे तो पता था इस बात का कि अगर आपको भी दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए कि 15-16 जून को गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी थी कि 750 फ्लाइट ऐड कर दी गई, उसमें से 550 नई फ्लाइट ऐड कर दी गई, तो फ्लाइट ऐड कर दी तो फिर मिशन वंदे भारत आगे ऑटोमेटिक बढ़ गया, उसको ज़रूरत ही कहाँ है यार, आप लोगों को बेवकूफ बनने की कहाँ ज़रूरत है, आप बताइए। जब गवर्नमेंट ने 550 फ्लाइट ऐड करी, आपको सबको पता है, मैंने भी वीडियो बनाया, आप सबने देखा, तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये वंदे भारत मिशन में ही तो ऐड हो रही है ना, ये तो नहीं कि मिशन वंदे भारत बंद हो रहा है और ये अलग से फ्लाइट स्टार्ट कर दी, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए उस मैटर को छोड़िए, जो लोगों ने वीडियो बनाए मिशन भारत बंद हो रहा है वो कल से वापस बनाने लग गए मिशन भारत 4 स्टार्ट हो गया, अलग अलग सोच होती है इंसानों की। आज हम बात करते हैं हरदीप पुरी, कल इंटरव्यू था साथियों लगभग 3 से 4 बजे के बीच में, हालांकि मैं वीडियो लेट बनाता हूं आप सबको पता है, क्योंकि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो पाता है, इस वजह से मेरा वीडियो 10-12 घंटे लेट हो जाता है। चार टॉपिक पे बात करेंगे, पहले टॉपिक पे बात करेंगे हरदीप पुरी ने जो इंटरव्यू लिया था उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए थे, वो सवालों के जवाब आपको जानना जरूरी है क्योंकि उसी में पूरा सिस्टम घूमता है। उनसे पूछा गया कितने यात्री इंडिया पहुंचे, कितनी अभी फ्लाइटें स्टार्ट करी हैं, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें स्टार्ट कब होने वाली हैं और यात्रियों से कितना किराया लिया जाएगा, इस चार टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों, हरदीप पुरी से पूछा गया भाई कितने यात्री अभी तक पहुंच चुके, तो उन्होंने बोला 2,75,000 यात्री हवाई जहाज और शिप से, यानी जो समुद्री यात्रा रास्ते से आए थे, बहुत सारी कंट्रियों से वो चल रहा है, आपको पता ही होगा उस बात का, 2,75,000 यात्री आ गए इंडिया पहुँच चुके हैं। तो अगर इतने यात्री आए तो भाई अभी इतना वजन नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से 1,00,000 के करीब वो और पॉपुलेशन है जो इंडिया आना चाहती है, क्योंकि जो 14 जून के करीब एक इंटरव्यू आया था उसमें जो 750 फ्लाइटें को शेड्यूल दिया गया था उसमें बताया गया था कि 1,07,000 आदमी आ गए, अभी आ गए 7-8 दिन में और इतने लोग आ गए, तो इस हिसाब से तो आप 10-12 दिन में इंडिया पहुँच जाओगे सबके सब, तो फिर इंटरनेशनल फ्लाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और उम्मीद है बहुत अच्छी बात अगर आप सब आ जाओगे तो। उन्होंने आगे बताया 750 नई फ्लाइटें ऐड कर दी गई हैं वंदे भारत मिशन 4 में, जी हाँ साथियों, जो 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अब आगे महत्वपूर्ण सवाल उनसे ये पूछा गया भाई इंटरनेशनल फ्लाइटें स्टार्ट कब होगी, और आपका भी यही क्वेश्चन होता है और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज में लोग यही क्वेश्चन करते हैं, मैं इसका आंसर आपको नहीं देता क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि इंटरनेशनल फ्लाइटें कब स्टार्ट होगी, तो मैं जवाब नहीं दे सकता आपको। ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया और ये जहाँ तक है सच्चाई भी है कि भाई जब इंटरनेशनल फ्लाइटें तब स्टार्ट होंगी जब हमारी फ्लाइटें जहाँ जिस कंट्री में जा रही हैं वो एक्सेप्ट करें उनको, इंटरनेशनल यातायात सुचारू रूप से स्टार्ट हो। इनका कहने का मतलब है कि जब दूसरी कंट्रियाँ इंटरनेशनल फ्लाइटें स्टार्ट करेंगी तभी हम कर पाएंगे, ये इन्होंने बोला है, और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक सही भी है इस बात को, क्योंकि अगर इस तरह से मतलब आप अगर फ्लाइटें जाके आपको लेके आएंगी तो भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, और ये कहीं ना कहीं नियमों के खिलाफ है, इसी वजह से इन्होंने ये बात बोली है। इंटरनेशनल फ्लाइटें तभी स्टार्ट हो पाएंगी जब सामने वाली कंट्रियाँ इंटरनेशनल फ्लाइटें ओपन कर देंगी, जी हाँ साथियों। आगे बात करें चौथे चरण में तो जो जुलाई से स्टार्ट होने वाला है उसमें एयर इंडिया को 300 फ्लाइटें अतिरिक्त दी गई हैं, 300 फ्लाइटें अतिरिक्त उसका उड़ान होगा, तो ये अच्छी न्यूज़ है भाई, सबका नंबर ज़्यादा फ्लाइटें होंगी तो जल्दी आ जाएगा। आगे भाई किराए की बात करें तो गवर्नमेंट ने आपको पता है साथियों घोषणा की थी कि 3 महीने तक सेम किराया रहेगा, जी हाँ साथियों, यानी इनका कहना है 24 अगस्त तक कोई किराया बढ़ाया नहीं जाएगा। किराए की बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है कि मिशन वंदे भारत 4
जो 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, गल्फ कंट्रीज की 13,000 रुपए टिकट रखी गई है। जी हां साथियों, ये इनका कहना है, जो सामान्य किराए से कम किराया इन्होंने बताया है। अमेरिका के लिए इन्होंने 1,00,000 रुपए किराया बताया, जो आगे आने वाले समय में परिवर्तन संभव है, यानी किराया महंगा हो सकता है फ्लाइट से रिलेटेड। तो साथियों बस ये जो मोटी मोटी बातें थी मैंने बता दिया। भाई मिशन भारत 4 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, 850 फ्लाइटों का संचालन होगा। किराए के बारे में मैंने बता दिया, इसका एक अलग प्राइवेट जेट का किराया मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, तो वो आप देख लीजिए। बस ये अपडेट थी, ज्यादा कोई खास नहीं थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।